दोस्तों पहले पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने शोरूम स्टार्ट करा था और उसके बाद बहुत सी गाड़ियों को बाय एंड सेल करके गाइस हम लोगों ने लगभग 37,000 अर्न कर लिए थे। लेकिन हमारे पास दो गाड़ियां थी जो कि रिपेयर हो रही थी, तो उनको सेल करने के बाद दोस्तों हमारे पास हो चुके हैं $67,000। और आज दोस्तों इन्हीं पैसों को हम लोग बढ़ाएंगे, बहुत सी गाड़ियां लेंगे, बेचेंगे और सुपर कार भी लेंगे। तो बने रहना वीडियो में एंड तक। तो फटाफट गाइस अपनी गाड़ी को डालते हैं सेलिंग पे। तो यहाँ पर सबसे पहले ओपन करेंगे टैबलेट को, अच्छी वाली फोटो लेंगे इसकी ताकि अच्छी गाड़ी दोस्तों सेल हो अच्छी प्राइस में। यहाँ पर चेंजेस हम लोगों को कुछ करने ही नहीं थे। फ्रंट से फोटो ले लेते हैं और इधर से फोटो ले लेते हैं और इधर से फोटो ले लेते हैं। अभी डालते फटाफट इसको सेलिंग पे ताकि कस्टमर आए और इसे हम लोग सेल कर पाए। इसको हम लोगों ने खरीदा है $55,724 में। तो यहाँ पर फोटो लगाएंगे इसकी, शायद हम लोग फोटो पहले ही लेकर आए थे भाई, बहुत ज्यादा फोटो हम लोगों ने खींच ली थी। चलो कोई नहीं, दोबारा से फोटो हम लोगों ने ली है लेकिन जो अच्छी वाली फोटो होगी उनको लगा देंगे। चलो यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसकी प्राइस रखते हैं भाई $130,000 पुट ऑन सेल। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने गाड़ी को लगा दिया सेलिंग पे। तो सबसे पहले देख के आते हैं मार्केट प्लेस ओपन है गाइस आज के दिन। कस्टमर आएगा तो फटाफट इधर भाग के आएंगे भाई। मार्केट प्लेस में कौन कौन सी गाड़ी आई है वो भी देखना जरूरी है, अगर कोई अच्छा कस्टम मिल जाए और यहाँ पर दोस्तों अपनी सुपर कार कोई देखने को मिल जाए तो मजा आ जाए। यहाँ पर ये दोस्तों देखो फेरारी पड़ी हुई है, लेकिन भाई इसकी प्राइस 3 लाख 4 लाख तो होगी, 2 लाख है भाई, इतना पैसा नहीं है वरना ले लेते। ये 200 एंटिक पीस है, इधर एंटिक पीस कितने में बिकेगा, 37,000 मांग रहा है भाई एंटिक पीस का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर भी एक पड़ी हुई है, इसको क्या कहेंगे, कस्टमर आया दोस्तों दुकान पे, लेकिन सबसे पहले देख लेते कितना मांग रहा है। ओ भाई साहब 4 लाख तो यही मांग रहा है। यहाँ पर BMW है, BMW काफी अच्छी प्राइस में बिकती है भाई, अच्छे ब्रांड वाली गाड़ी अच्छे में बिकती है, 30,000 में तो इधर ही मिल रही है। यहाँ पर दोस्तों एक और गाड़ी पड़ी हुई है, कौन सी है ये दोस्तों, मर्सिडीज, इसको शायद हम लोगों ने बेचा था पहले। खाने पीने का है भी इधर, ये तो नहीं है वोल्क्सवैगन है, ये भी काफी सस्ते में मिल जाती है, लेकिन हम लोग अपने एम्पायर को बड़ा कर रहे हैं। सबसे पहले गाइस ऑफिस चलते हैं क्योंकि कस्टमर आया हुआ है, गाड़ी को बेच देते हैं भाई। दो कस्टमर आए किस प्राइस में इनको चाहिए देख लेते। चलो ये 70,000 डोंट सेल भाई, 1 लाख के ऊपर देते, 1 लाख के ऊपर, क्योंकि पैसा तो हम लोगों ने काफी ज्यादा खर्च करा है, बार्गेनिंग करते हैं। 1,20,000 डोंट सेल, निकलो। दो कस्टमर है भाई, लप्पू से कस्टमर थे। कार मार्केट पे जाते हैं भाई, एक गाड़ी मुझे काफी सही लग रही है, एक तो वोल्क्सवैगन काफी अच्छी प्राइस में बिकती है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो गाड़ी है काफी मस्त है, लेकिन इसकी प्राइस कितनी थी मैं भूल गया भाई, इसमें पेंट रीपेंट करा हुआ है, 63 इसकी प्राइस मांग रही है। एक काम कर, 63 मांग रही है, 50,000 रख, खरीदेंगे हम। चलो कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पर एंटिक गाड़ी, ये एंटिक गाड़ी को लेके बेचते हैं एक बार, एंटिक गाड़ी कितने में बिकेगी, डैमेज तो इसमें जरा भी नहीं है। 37 मांग रहे गाइस, 30,000 में दे दे तो ले लेते हैं, चलो 30,000 या फिर 34,000 के आसपास, 34,000 में दे दे, 34,000 में दे दे ताकि हमारे पास कोई गाड़ी आ जाए जिसको हम बेच सकें। आई एम सॉरी कह रहा है भाई, ये 36 तो ये मांग रहा है, 35,500 में दे दे भाई, अब तो दे दे, इतना भाव मत खा। अरे मिल गई, इसमें डैमेज तो नहीं है गाइस, इसमें डैमेज नहीं है, लेकिन इसको हम लोगों को पहुंचाना पड़ेगा। यहाँ पर पहुंचा देते हैं, डैमेज तो नहीं है, लेकिन अभी हमारे पास 31 रुपये बचे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये वाली गाड़ी तो काफी महंगी मिल रही है, लेकिन यहाँ पर ये वाली गाड़ी कितने में मिल रही है ये देख लेते, ये भी शायद महंगी होगी, 30,000 में बार्गेनिंग करते गाइस। ये कोडा ऑक्टा है, ये दोस्तों हमें 28,000 में मिल जाए तो इसमें अच्छा फायदा हो सकता है। 29,000 में देते आंटी जी 29,000। अरे यार चलो बाय कर लेते हैं, चलो अभी 1,000 बचे हमारे पास, पैसा बहुत है वैसे। इसमें डैमेज है क्या, डैमेज तो जीरो है, तो चलो इसको भी वहाँ ही पहुँचा देते हैं, वहाँ से जाके हम लोग भाई ले लेंगे सीधा भाई, डायरेक्ट रिपेयर वाले की शॉप से वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करा दी हम लोगों ने गाड़ी। ऑफिस चलते हैं, अंधेरा होने वाला है मेरे ख्याल से, नहीं अंधेरा नहीं होने वाला। यहाँ पर दो कस्टमर आए हैं, सबसे पहले इनको, दो नहीं तीन कस्टमर संभाल लेते हैं इनको। कितने में चाहिए आपको बताओ भाई, ये तो भाग ही गया प्राइस सुन के, आप बताओ बताओ। ओ 67,000 डोंट सेल, 70,000 में तो दूसरा कोई मांग के गया था भाई, हम लोगों को पड़ी ये 55,000 की, 71 दे रही है भाई, बहुत अच्छी प्राइस है। एक मिनट, इसको कहते हैं 80,000 मिल जाएगी मेरे ख्याल से, अरे यार 79,000 कम है भाई। एक मिनट रुक, यहाँ पर अमीर कस्टमर भी आई है भाई, वो कितना पैसा दे सकती है पता नहीं। यहाँ पर इससे पूछते हैं, ये 60 डोंट सेल, इससे बार्गेनिंग करने में कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर दोस्तों ये कितना बोलेगी, भाई ये भी गरीब कस्टमर निकली, चलो इससे पूछते हैं। चलो ओके, ये कह रही है कि 71,000, इसको कहते हैं कि बार्गेनिंग कर और 74,000 में आपकी थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, 10-20,000। ओके फाइनली मिल गई। अभी यहाँ पर दोस्तों हमारे पास दो गाड़ियां हैं जो कि भाई रिपेयर करनी तो है ही नहीं, लेकिन इसको हम लोगों को साफ करके अपनी गाड़ी वहां पे रखनी है। चलो इस गाड़ी को इधर रख दिया, अभी एक और गाड़ी बची है, सबसे पहले गाइस इनको क्लीन कर देता हूँ फटाफट में। ये वाली तो साफ हो गई, अभी दोस्तों इसको क्लीन करना बाकी है। तो फाइनल दोस्तों हम लोगों ने इसको क्लीन कर दिया है, अभी क्या करते पता है, अभी हम लोग गाइस इसको डालते हैं सेलिंग पे, फोटो वोटो लेंगे, इसको डालते हैं गाइस सेलिंग पे फटाफट, सारी फोटो में लगा देता हूँ।
75 में पोटेंशियल ये बिकने के लिए तैयार। यहाँ पर एक कस्टमर आया है, उससे बात कर लेते हैं। 33 भाई हम लोगों ने इसे खरीदा 35 में, तू 33 पे कहाँ पे आ गया। एक काम कर 50,000 दे तेरी भाई, निकल 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 डॉन सेल। यहाँ पर इसका कस्टमर आया कि कितने में मांग रहा है, चलो देख लेते हैं। 60 हम लोगों ने प्राइस रखी है, ये मांगेगा लगभग 39 का मांग रहा है, हम लोगों ने 30 में खरीदा, लगभग 10 का तो फायदा वैसे ही हो रहा है। तो यहाँ पर कहीं इससे बार्गेनिंग करते हैं, हम लोग कहते हैं भाई हम लोग 60,000 रखे हैं, तू एक काम कर 45 दे दे। ये सर दे भी देगा 45, देख लेते चलो। नहीं, एक और कस्टमर है उससे बात करते हैं भाई। ये तो भाई कैप वाला बंदा है, पैंट टोपी वोपी पहन के, ये कितना बोल रहा है, 42 ये दे रहा है भाई। 50 में शायद बिक जानी चाहिए, लेकिन चलो देखते हैं। वो 42 के आसपास नहीं आ रहा, एक काम कर 46 में ले जा, 46 में ले जा भाई, थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा हमारा। अरे यार 42, ये लास्ट प्राइस 44, वैसे 10 तो हो रहा है, 10 के ऊपर और मिल जाएगा। चलो बिक गई, इसका कोई कस्टमर नहीं है अभी तक। और यहाँ पर दोस्तों ये गंदा पड़ा है, कहाँ पे कूड़ा कचरा दिख ही नहीं रहा है, ऑफिस के अंदर है पता नहीं। और यहाँ पर दोस्तों मेमोरी फुल ना हो जाए तो अच्छी बात है। यहाँ पर कस्टमर इन ऑफिस, कहाँ पे है कस्टमर, कस्टमर इन द ऑफिस, यहाँ पर दिखा रहे कस्टमर इन द ऑफिस, लेकिन कस्टमर ही नहीं। एक मिनट इसको सेल से रिमूव करता हूँ, एक मिनट थोड़ी देर के लिए, क्योंकि गाड़ी को हमें थोड़ा सा आगे लेके देख लेना है कि इसके अंदर वो कूड़ा कचरा किधर पड़ा है। भाई है ही नहीं कूड़ा कचरा, तो इसको डालते हैं दोबारा से सेलिंग पे, नेबरहुड में जाके चेक कर लेते हैं, तब तक कोई कस्टमर आता है और इस गाड़ी को बेच देते हैं भाई। ये गाड़ी कितने में बिकेगी भाई वो पता चलेगा तभी। तो अभी कैसे हम लोग आ चुके हैं नेबरहुड में, और यहाँ पर हम लोगों को एक सुपर कार देखने को मिल रही है। ये पता नहीं कौन सी गाड़ी है, देख लेते भाई, ये है टोयोटा सुपरा। तो फाइनल दोस्तों हम लोगों को सुपरा मिल गई है, और यहाँ पर गाइस इसकी जो प्राइस है 68 कह रहा है, अगर ये हमें 60 में मिल जाती है तो भी काफी सही रहेगी। यहाँ पर ऑफर देते हैं इसको, 60 में दे दे तो अच्छी बात है। दिस इज नॉट भाई साहब, एक काम कर 65 ले ले भाई, ऑफर बढ़ा दिया मैंने, 5,000 बढ़ा दिया डायरेक्टली। अरे ऑफर लो कह रहा है भाई बंदा, एक मिनट 67 चल लास्ट प्राइस, वरना 68 में बाय करना पड़ेगा, वैसे लेनी ही हमें ये। भाई मिल गई फाइनली अपनी फर्स्ट सुपर कार मिल गई। इसमें कितना खर्चा है वो तो मैंने देख लिया, थोड़ा बहुत है खर्चा। तो गाइस इसको हम लोग क्या करते हैं, पहुंचा देते हैं, कस्टमर इन ऑफिस आया है, कस्टमर इन द ऑफिस। गाइस चलते हैं फटाफट ऑफिस पे, कौन आया पता नहीं। और अपनी सुपर कार तो आ गई है, कस्टमर को संभालेंगे, उससे पहले सुपर कार को दोस्तों रिपेयर पे डाल के आते, तब तक रिपेयर हो जाएगी, रिपेयरिंग में थोड़ा सा खर्चा आएगा, कितने में बिकेगी पता नहीं, लेकिन चलो सुपर कार का खर्चा है 22, बस इतना ही है। इतनी महंगी खरीदी थी, 220 का खर्चा भाई, मजा ही आ गया। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे हम लोग, तब तक एक कस्टमर को संभाल, कस्टमर कितना बोल रहा है इसकी प्राइस। दो कस्टमर आ रहा है, एक और आ रहा है भाई, 65 मैंने रखी है भाई, थोड़ा सा बढ़ा देना, अच्छी खासी प्राइस देना, 35 में तो मैंने परचेस करा है भाई। दूसरा कस्टमर वही है जो अभी गया, कुल मिला के वही जने आ रहे हैं थोड़े बहुत। अरे अपनी सुपर कार हो गई है रेडी, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं भाई, उसमें खर्चा करेंगे ताकि अच्छी सी प्राइस में हम लोग बेच पाए। इसकी स्पीड काफी ज्यादा होगी, उतना तो पता है हम लोगों को। अरे भाई इतनी स्पीड में कितनी ज्यादा भाग रही है भाई। इसमें थोड़े से एलो व्हील चेंज करते हैं, वैसे एलो व्हील तो मस्त है इसके, लेकिन कलर चेंज करते हैं। चलो एलो व्हील मुझे लगा कि ठीक नहीं है, लेकिन एलो व्हील सही है। अरे भाई साहब ये गाड़ी कहाँ से बीच में आ गई, हमारा कबाड़ा कर दे इसने सुपरा का, 64 रुपये का खर्चा कर दे, फाइनली होगी। चलो भाई साहब कलर 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 कलर, इसको हम ग्रीन कलर करेंगे, ग्रीन कलर में तो काफ़ी मस्त लगेगी ये वाली गाड़ी, मस्त लग रही है। 300 पैक करते हैं, चलो अभी तो इसको क्लीन करना बाकी है थोड़ा बहुत। और वहाँ पे भाई काफ़ी सारे कस्टमर भी आए हैं, कस्टमर को संभालना पड़ेगा हम लोगों को सबसे पहले, इतने सारे कस्टमर। अरे 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 अरे, अरे ठुक जाती गाड़ी अभी हमें, इंजन बंद कर दे इसका। और यहाँ पर दोस्तों काफी सारे कस्टमर थे जिसमें से काफी भाग गए, केवल एक ही बचा है, तो ये पता नहीं कितना देगा इसकी प्राइस। 35 के कैरी 35 में तो हम लोगों ने परचेस करा है, एक काम करो 40,000 दे दो ले जाओ, कुछ तो पैसा हमारा बचेगा वापस आएगा। चलो डोंट सेल। यहाँ पर एक और खड़ा भाई, मुझे पता नहीं था कि तू इधर है, तू कितना देगा, वो तो 35 का ऑर्डर देख, ऑफर देखेगा। यहाँ पर तू एक काम कर, इसको जल्दी निकाल दो अच्छा है मेरे ख्याल से, क्योंकि एंटीक पीस है भाई, निकल ही नहीं रहा है, कब से आया है तब से। एक काम कर 40,000 दे दे ले जा, निकालना सही इसको बाहर अभी। अरे यार ये काम कर 39,000, थैंक यू भाई, बिक गई, थोड़ा बहुत फायदा हुआ, लेकिन अभी हमारे पास है अपनी सुपर कार, तो थोड़ा सा इसको चलाते हैं भाई।
ओ ड्रिप मारी इसने भाई, काफी गंदी पड़ी है। सबसे पहले क्लीन कर देते हैं एक अच्छी सी फोटो लेने के लिए। तो चलो गाइस आज की इस वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसको बेचेंगे और अपना दोस्तों जो एम्पायर वो काफी बड़ा करेंगे। अभी तो 77,000 है लेकिन को बेचने के बाद अपना एम्पायर और बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये गाड़ी काफी ज्यादा प्राइस में सेल हो सकती है वाली।